जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी वासियों को एक नहीं बल्कि 6-6 वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन रूटों पर इसका परिचालन आपको देखने को मिलने वाला है और कब इसका इनॉग्रेशन भारतीय रेलवे करने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको फुल डिटेल जानकारी इस रूट के बारे में देने वाले हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस रूट पर आपको पहले परिचालन देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग कर रहा है। अभी फिलहाल 34 वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर चुकी है और फिर आपको आने वाले दिनों में इसी महीने में आपको फिर से 8 से लेकर 10 वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। अब तक लगभग सभी राज्यों को एक से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे दे चुकी है। साल 2047 तक केंद्र सरकार की योजना में 4500 वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करने की है। आने वाले दिनों में कई और राज्यों के यात्रियों को वंदे भारत को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। यूपी की राजधानी लखनऊ से 6 जगहों के लिए वंदे भारत चलाने की बात चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी को वंदे भारत ट्रेन के रूप में बड़ी सौगात मिल सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट की अगर देखें तो लखनऊ से मुंबई, पुरी, कटरा, मेरठ, देहरादून, पटना आदि के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। यह अगले लोकसभा चुनाव से पहले ही हो जाएगी, यानी कि अगले कुछ ही दिनों के भीतर यूपी को कम से कम 6 वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। इसमें से कई कम दूरी वाले रूट के लिए है तो कई पूरी, मुंबई, कटरा जैसे ज्यादा दूरी वाले ट्रेनें हैं। यदि ये ट्रेन चलती है तो लखनऊ वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने। सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू की गई थी। यह ट्रेन वाया कानपुर होकर चलती है। इसके बाद एक वंदे भारत यूपी में और दी गई है। यह ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर के बीच चलती है जो कि वाया अयोध्या बस्ती होकर जाती है। लखनऊ में शाम 7:15 होती है और फिर यह ट्रेन अयोध्या रात 9:13 पर पहुंच 2 मिनट तक रुकने के बाद रात 10:30 यह ट्रेन बस्ती पहुंचती है और फिर 12:00 यह ट्रेन गोरखपुर आपको पहुंचाती है। इसके बाद गोरखपुर से यह ट्रेन 6:05 पर चलती है और फिर 6:52 पर बस्ती पहुंचती है। इसके बाद 8:15 अयोध्या, फिर 10:20 पर यह ट्रेन लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ से गोरखपुर से लखनऊ के बीच कुल दूरी 296 किलोमीटर है और यह ट्रेन 4:15 में कवर करती है। इस रूट पर चलने वाली कई अन्य ट्रेनों की तुलना में वंदे भारत यात्रियों को सबसे तेज गति से गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। तो दोस्तों फिलहाल में तो अभी 2 ट्रेनें इस रूट पर भारतीय रेलवे वंदे भारत दौड़ा रही है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया है। लेकिन इसके अलावा आपको 6 और वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे यूपी वासियों को देने वाली है, जिसमें आपको कम दूरी की भी ट्रेनें इसमें शामिल है। साथ में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पर भी वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है जो कि यूपी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो फिलहाल दोस्तों ये जो रूट भारतीय रेलवे ने डिसाइड किया है, इस रूट पर आपकी क्या राय है कि इस पर चेयर कार वाली वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे करने वाली है या फिर इस पर अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे आगे चलकर करने वाली है। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।